दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दिनेशपुर क्षेत्र के आसपास। दिनेशपुर का जगह है ये, जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पारंपरिक खेती से हट के खेती की गई है, और वो खेती है किचन गार्डनिंग की। आप साथ में देख रहे होंगे ये प्यारे प्यारे से फल खीरा का लटका हुआ है, और जो चारों तरफ मैं कैमरा घुमाऊँ तो आपको बेल ही बेल दिखेगा, ये सारा ही बेल खीरे का है। और खीरे के अलावे भी यहाँ पे खेती की गई है। क्या क्या खेती इन्होंने किए हैं, कितने दिनों से करते हैं, और मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं, कैसे इसकी केयर करते हैं, और कितना मुनाफा कमाते हैं, यही सब चीज़ जानने के लिए मेरे साथ जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी आज मौजूद रहेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो चलिए बगैर किसी देरी के चलते हैं इनके साथ ही, देखते हैं इनकी बागवानी और इनकी बागवानी आइडिया, ताकि आप लोग भी यदि पारंपरिक खेती से हट के खेती करना चाहें तो इस तरह से कमा के केवल 60 दिन में साल भर का मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अब अपने साथ वही सफल किसान मौजूद हैं जो ये पारंपरिक खेती से हट के खेती किए हुए हैं, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनका नाम और फिर इनके साथ ही देखते हैं इनकी पूरी बागवानी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले अपना नाम और किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट करें ये यदि आप बताना चाहें। नाम पुन्नू बैरागी। पुण्य बैरागी, बैरागी। और पुण्य जी किस जगह हम वीडियो को शूट कर रहे हैं? ये दिनेशपुर वार्ड नंबर 2। दोस्तों हम लोग दिनेशपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वहाँ पे ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे बैरागी जी हैं जो अपने साथ पूरे इस वीडियो में रहेंगे और वो बताएंगे कि कैसे इन्होंने पारंपरिक खेती से हटके ये खेती की है और क्या मुनाफा कमाते हैं। तो बैरागी जी कितने दिन से आप इस तरह की सब्जियों की खेती करते हैं? कम से कम 15 साल लगातार आप ये इसी टाइप की खेती करते हैं? इसी टाइप की खेती करता हूँ। और अभी यदि बात करूँ तो सामने खीरा तो दिख ही रहा है, खीरा के अलावा आपने किस किस चीज का खेती की है? करेला है, लौकी है, तोरी है, ये सब अभी अपने पास मौजूद है। बैगन है, ये सब लगे हुए हैं अभी। लगे हुए हैं। तो ये कितने दिन की खेती होती है? खीरा यदि मैं बात करूं बीज लगाने की, तो बीज लगाने से लेके पहले फसल तोड़ने तक कितने दिन लग जाते हैं? बीज लगाने से 45 दिन। 45 दिन के अंदर फल तोड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बीज खरीद के लाते हैं या अपना रखा हुआ बीज होता है? ये अपना रखा हुआ होता है, खरीद के भी ले आते हैं। अच्छा, और ये बीज खुद ही लगाते हैं? खुद ही बनाते हैं। खुद ही बनाते हैं। बीज से पौधा तैयार करने में कितना टाइम लगता है? ये 4 दिन लगता है। चार दिन। 4 दिन के पौधे बीज से निकल जाता है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि पौधे, ऐसा पौधा जो लगाने के लायक, शिफ्ट करने के लायक हो जाता है, वो कम से कम 10 से 15 दिन। यदि आज हम बीज लगाते हैं तो 15 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा जिसे मैं दूसरे जगह खेत में लगा सकूं आराम से। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट बीज ही लगाए हैं या पौधा को उखाड़ के फिर यहाँ पे बीज लगाए? यहीं पे बीज लगाए, यहीं पे बीज लगाए। और ये सारे खीरा जो लगे हुए हैं ये अपने बीज से हैं या आपने खरीदे हुए हैं? अपने बीज से। आपने ही अपने घर के बीज से तैयार किए हुए हैं? तैयार किया है। अभी इसका क्या रेट मिल रहा है आपको थोक में? थोक में 25 रुपए जा रहा है। और कितने दिन पे फसल तैयार हो जाता है ये तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए ऐसे 45 दिन में तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है पहले 45 दिन। पहला फसल आप तोड़ते हैं तो लगभग 45 दिन के आसपास में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। बैरागी जी ये फसल कितने दिन तक फल देता रहता है? ये 2 महीने तक खीरा। जब 45 दिन बाद पहला फसल आप तोड़ेंगे उसके अगले 2 महीने तक ये लगातार फल देगा। और ये जाली आपने किस चीज से तैयार किए हैं? ये तार और वो प्लास्टिक का जो रस्सी है। जी जी, बीच बीच में सपोर्ट के लिए आपने तार का इस्तेमाल किए हैं, लोहे का तार। लोहे का तार और उसको आपने जाली जो बनाए हैं वो दिए हैं प्लास्टिक का रस्सी। प्लास्टिक का रस्सी। तो ये प्लास्टिक का रस्सी बैरागी जी कितने दिन तक टिक जाता है? ये 2 महीने, 2-3 महीने टिक जाएगा, फिर काट देंगे हम, काट के सफा करके फिर दोबारा लगाएंगे। 2 महीने टिकता है केवल? 2-3 महीना 4 महीना टिक जाता है, मतलब एक फसल तक टिक जाता है। फसल में टिक जाता है, फिर उसके बाद आप इसको चेंज कर देंगे। जब दूसरा बेल इस पे लगाएंगे तो आपके बेलदार सब्जी ही ज्यादा लगाते हैं? बेलदार सब्जी ज्यादा लगाते हैं, उसके बाद जब जाड़े का मौसम आता है गोभी वोभी लगाते हैं, फूल गोभी वगैरह लगाते हैं, गाट गोभी, बंद गोभी, इस टाइप की सब्जियां आप लगाते हैं? सब्जी 12 महीने हमारी सब्जी लगती है। 12 महीने आप सब्जी की ही खेती करते हैं? खेती करते हैं। तो आपने कभी नौकरी या कोई किसी और ट्राई ही नहीं किए, कोशिश ही नहीं किए? बचपन से अपने खेत में अपने काम में लगे रहे? अपने काम में लगे रहे। तो इस काम को क्या आपके अलावे आपके जो सीनियर हैं जैसे पिताजी चाचा जी वो भी करते थे? पिताजी करते थे, इसी टाइप की खेती करते थे। की खेती।
और पिताजी से ही आपने ये काम सीखा हुआ है? काम हमने सीखा है। इसमें पानी की यदि बात करें बैरागे जी, तो कितने दिन बाद पानी देना पड़ता है? ये आजकल मौसम में 3 दिन बाद पानी छोड़ना पड़ता है। अच्छा, हर एक तीसरे दिन आपको पानी, दिन में पानी छोड़ना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। और इसमें यदि मैं बात करूं तो बेल में कोई कीड़े मकोड़े का अटैक होता है क्या? हाँ होता है। उससे बचने के लिए आप क्या डालते हैं? उसमें बचने के लिए जैसे ये क्या सुंडी का वो भुजिया है ना, जी जी, वो डालते हैं। अच्छा, केमिकल वाला जो दवाई होता है वो? हाँ। और ये जो ऐसे फल लटकते थे, इससे एक फायदा और भी होता है कि आपको दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पे फल है। हाँ। तोड़ने के लिए कोई फल पकने नहीं देते ना, ना। एक आध कभी छूट जाता है, कभी पत्ते के नीचे वो पक जाता है, फिर उसका क्या करते हैं? बीज के लिए रख देते हैं। अच्छा, कभी कभार यदि धोखे से छूट गया तो बीज के लिए रह जाता है, या तोड़ लेते हैं वो कम कीमत में बेच देते हैं। अच्छा, वो भी बिक जाते हैं सलाद के पर्पस से? बिक जाते हैं। बहुत खूब। इसके अलावे जो आपने खेती और किए हुए हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। और इस मिट्टी में यदि मैं बात करूं तो जब आप मिट्टी तैयार करते हैं बैरागी जी, तो क्या क्या मिलाते हैं मिट्टी में? मिट्टी में जो इतना बढ़िया फसल आप ले रहे हैं, जैसे नीचे मैं DAP डालता हूं, जी जी, फिरोडोन डाल देता हूं, ये डाल के फिर हम बीज लगाता हूं। अच्छा, उस ये सब डालने के बाद आप बीज लगा देते हैं, तो लगा देते हिसाब से खेती होता रहता है। हाँ। तो ये पानी के व्यवस्था के लिए आपने क्या कर रखे? अपना मोटर है, खेत में मोटर लगा रखे, वहीं से पानी आता रहता है। वहीं से पानी आता है। दोस्तों, ये खेती जो इन्होंने किए हैं, मेर जैसा बना दिए हैं, मेर के ऊपर बीज लगाते हैं जिससे ये पौधा तैयार होता है, और जो दूसरा हिस्सा है मेर के नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी जमा रहता है, और ये पानी अभी आप देख रहे होंगे लगा रहे हैं बैरागी जी, और उसका सीलन या उसका नमी पौधे तक पहुंचता है। पौधे को पूरे पानी से डुबोने के बजाय ये मॉइस्चर जो है पौधे को मिलता रहता है, उसी से ये इतना बढ़िया चलता रहता है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं खीरा के खेती के बाद दूसरे खेती में, जहाँ पे आपको देख लीजिए अशंक अनकाउंटेबल आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे ये करेला के फल लगे हुए हैं, और ये सारे छोटे साइज में इसलिए हैं क्योंकि बैरागी जी ये बता रहे हैं कि कल ही इसमें से फसल तोड़ के इन्होंने मार्केट में भेजे हुए हैं। क्यों, सच है? हाँ सच है। कल ही आपने तोड़े इसमें? कल ही तोड़े, कल बाजार था अपने, शनिवार का दिन यहाँ बाजार लगता है, कल तोड़ दिए सब बड़े बड़े, अब छोटे छोटे बुध को तोड़ेंगे और फिर शनिवार को तोड़ेंगे। तो सप्ताह में 2 दिन फल तोड़ते हैं? हाँ, 2 दिन तोड़ते हैं इसे। और इसके यदि बात करें तो कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है, फल देने लग जाता है? ये 2 महीना। 60 दिन की खेती है? 60 दिन का खेती है, 60 दिन में ये फल शुरू हो जाता है। और कितने दिन तक बैरागी जी देता रहता है? ये यहाँ से जाड़े तक देता रहेगा, अभी से लेकर सर्दी तक। सर्दी तक, और उसके बाद इसमें आप फिर सर्दी के मौसम का जो खेती है वो करने लग जाएंगे? करने लगेंगे। बहुत बढ़िया। और इसमें असंख्य मुझे दिख रहा है, गिनती नहीं कर सकते इतने इसमें फल लगे हुए हैं। तो इतना बढ़िया फसल लेने के लिए आप क्या करते हैं, मिट्टी में क्या मिलाते हैं और कैसे इसका देखभाल करते हैं? बस वही कीड़ा मकोड़ा का दवाई डालता है मिट्टी में, जैसे DAP फिरोडन ये डालते हैं, जिंक वगैरह डाल देते हैं नीचे। जी जी। और मिट्टी में गोबर का खाद या कुछ खाद के तौर पे? गोबर का खाद यहाँ से 5 साल पहले डाला था, अभी नहीं डाला, फिर अभी ये साल बाद फिर डालेंगे। अच्छा, गोबर का खाद फिर डालने लग जाएंगे? हाँ, डालने लग जाएंगे। तो इसका रेट अभी क्या मिल जा रहा है मार्केट में? मार्केट में वैसे थोक में 40 रुपए जा रहा है, हाथ वैसे फुटकर 60 रुपए 80 रुपए बेच रहा हूँ। तो आप जब हाट लगता है या बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार जब लगता है, तो उसमें खुद बेचते हैं या? खुद बेचते हैं मैं, उस टाइम में खुद ही बेचते हैं। और उसके अलावा जब फल, मैं डेली का दुकानदार हूँ, मैं डेली अपने खुद बेचता हूँ, कहीं ज्यादा हो जाए तो व्यापारी आ जाए तो दे देता हूँ उनको, दे देते हैं, नहीं तो मैं, आप खुद ही बेचते हैं? खुद बेचता हूँ। बहुत बढ़िया। और इसका फल अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या इसी साइज में आता है या गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा है? ये गर्मी की वजह से ऐसे हो रही है, बारिश पड़ता है तो ये साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, बड़े साइज में हो जाता है, इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, जैसे वो पका वाला वो पड़ा है उस साइज में आ जाएगा वो। बढ़िया, बहुत स्टैंडर्ड साइज है वो। हाँ। और उस साइज का यदि आ जाए तो मुनाफा भी कई गुना आपका बढ़ जाएगा। हाँ। क्योंकि फल बड़े बड़े आएंगे तो जाहिर सी बात है 1 kg में अभी ये 50 चल रहा होगा या 30 चल रहा होगा, तो वो 10 से 15 में 1 kg। हाँ, 10 से 15 में 1 kg हो जाता।
तो ये पारंपरिक खेती होने की वजह से आप लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, चाहे नफा हो या नुकसान हो? नफा और नुकसान हो, कंटिन्यू करता हूं। करना आपको खेती केवल और केवल सब्जियों का ही है? सब्जियों का केवल। यदि मैं बात करूं गेहूं या धान की, तो उसके तुलना में इसकी देखभाल कम या ज्यादा करना पड़ता है? इसमें ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लगातार इसमें काम करना होता है। हाँ, लगा रहना होता लगा रहना होता है। मैंने कई जगह देखा है बैरागी जी, इस तरह की खेती के साथ उन्होंने जमीन में पुई शाक भी लगाए हुए। हाँ, थे। पुई शाक अपना भी है लगा हुआ। अच्छा, तो आप भी एक समय एक खेत में एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं? हाँ। चलिए उसको भी एक बार देखते हैं। खीरा और करेला के बाद दोस्तों हम लोग अब वहां पे पहुंच गए हैं जहाँ पे तोरई की बहुत बढ़िया बागवानी की गई है, तोरई की बहुत बढ़िया खेती की गई है। जिधर भी निगाह जाएगी आपकी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी साइज के तोरई आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो घर बैठे तोरई खाते हैं और खरीदते हैं ना, यदि उसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की, तो यही जगह है जहाँ पे ये खेती की जाती है और यहाँ से फिर मार्केट में पहुँचता है। तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में भी बैरागी जी से। बैरागी जी, आप तोरई के बारे में बताइए, ये कितने दिन में फल देने लग जाता है? ये 2 महीने में फल देने लग जाता है। ये भी 60 दिन की खेती है? 60 दिन की, 60 दिन से बीज लगाए हुए, 60 दिन से शुरू हो जाता है। 60 दिन के बाद इसमें फल तोड़ने लायक बनने लग जाता बनने है लग जाता। और फिर ये कब तक फल देता रहता है? ये जाड़े तक फल देता रहता है, मतलब सर्दी आने तक। सर्दी ये फल आने तक, जैसे करेला है ऐसे तोरी है। बहुत बढ़िया। करेला, तोरी, खीरा भी ठीक वैसा ही है 60 दिन की? नहीं, खीरा 60 दिन की, खीरा 45 दिन में शुरू हो जाता है। खीरा थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। और चलता कितना दिन है सर? चलता 2 महीने चलता है खीरा। वो भी बहुत बढ़िया चलता है। इसकी यदि बात करें इतना शानदार फसल लेने के लिए, इसकी खेती भी आप वैसे ही करते हैं जैसे पारंपरिक दूसरे खेती करते हैं? जैसे दूसरे खेती किया वैसे ही करता हूं। इसके मिट्टी भी आप वैसे ही तैयार करते हैं जैसे दूसरे की ऐसे तैयार किया? आपकी पूरी बागवानी लगभग मैंने देखा, कहीं भी मुझे कीड़े का कोई अटैक नहीं दिखा। जबकि इस गर्मी में हम लोग फूलों की बागवानी करते हैं छत पे गमले में, उस पौधे को भी कीड़े से नहीं बचा पाते। आप कैसे अपने पौधे को इतना हेल्दी रख पा रहे हैं? ये हम इसमें दवाई डालते हैं। कीड़ा लगने के बाद डालते हैं, लगने से पहले लगने डालते से पहले डालते हैं कीड़ा? अभी यदि मैं बात करूं तो इस कंडीशन में भी क्या स्प्रे करते हैं आप? ये फल काटने के बाद हफ्ते में एक दिन स्प्रे करते हैं हम। अच्छा, फल काटने के बाद जब फल लगा रहता है तब आप नहीं करते हैं? फल काटने के बाद जब इसमें फूल लगा रहता है उस टाइम, जैसे कल फल काट दिया जी, फल काटने के बाद स्प्रे कर देंगे जी। जब एक दिन फल नहीं काटेंगे, दूसरे दिन जाके फल काटते हैं, क्यों इस ये दवाई डाल के दूसरे दिन फल नहीं काटते हैं। अच्छा, वो फल दवाई का असर कहीं ना कहीं उस टाइम तक होता है, जिस वजह से 24 घंटे रह जाता है। अच्छा, इस वजह से आप दवाई डालने के बाद तुरंत नहीं काटते? तुरंत नहीं काटता हूँ, एक दिन बाद ही काटता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने तोरई के साथ ग्राउंड पे पुई शाक लगाए हुए हैं। पुई शाक ही है ये? हाँ, पुई शाक है। ये भी प्रोटीन के बहुत बड़े स्रोत में से एक होता है और इसका भी रेट मुझे लगता है बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि इसमें पत्ता नहीं पूरा डंठल काट के बेचा जाता है, ऐसा ही है? हाँ, डंठल काट के बेचा जाता है। इसका रेट क्या मिल जाता है? ये शुरू में 100 रुपए किलो बिका। अच्छा, अब 20-30 रुपए किलो चल रहा है मार्केट। और इसका डंठल सहित काट के बेचा जाता है? काट के बेचा जाता है। ये कितने दिन में फल तैयार होता है सर? ये लगभग 3 महीने में तैयार होता है। ये बीज जमने में 15-20 दिन लग जाता है। 20 दिन में बीज जम जाता है, फिर उसके बाद? उसके बाद कम से कम 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। और ये कितने बार आप काट के मार्केट में बेच देते हैं इसको? ये इसका कोई गिनती नहीं है, चलता रहता है। जाड़े के मौसम में इसमें फल भी आ जाता है, फल भी बेच देता हूँ। अच्छा, इसका जो दाना आता है वो भी बेचते हैं? दाना भी बेच देता हूँ। वो भी सब्जी बनता है क्या? सब्जी बनता है, कभी पका हुआ तो बीज के लिए ले जाते हैं। तो बैरागी सर, अब ये बताइए कि इसमें पत्ते का डंठल का बढ़िया रेट मिलता है या बीज का? बीज का रेट बढ़िया है, तो बीज जैसे हम पत्ते डंठल डेली काटता हूँ बेचता हूँ, इसमें हमारा फायदा ज्यादा है, नफा पत्ते में ज्यादा मुनाफा है। नफा ज्यादा है, क्यों छोड़ देंगे तो बीज 2 किलो निकलेगा, 2 किलो का हमें 1000 रुपए मिलेगा। वैसे हम डेली काटेंगे बेचेंगे, इसमें कल्ला आएगा उसमें 5000 का बिकेगा। बैरागी जी का कहना है कि इसमें यदि फल के लिए मैं इसको छोड़ दूं तो बीज इसमें कम मात्रा में आता है और उसको रेट भले ही ज्यादा मिले लेकिन क्वांटिटी कम मिलता है, जिस वजह से उसको ये
कम बेच पाएंगे। और डंठल सहित यदि ये पौधे बिकता है तो उसमें वजन ज़्यादा आता है और रेट भी बढ़िया मिल जाता है, तो इसमें मुनाफा ज़्यादा है। इसलिए बीज के भरोसे इस पौधे को ये नहीं छोड़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपके बागवानी में देख रहा हूँ कि जगह जगह इस तरह के डब्बे मुझे लटके दिखे रहे। यह चॉकलेट है, इसमें जो मक्खी है जिसमें यह डंग मारता है, तोरी में खीरा में इसमें डंग नहीं मारेगा। यह चॉकलेट के अंदर ये जो डिब्बा के अंदर इसका खुशबू से अंदर आ जाएगा, वो बस वो मर जाएगा अंदर ही। वेरी गुड दोस्तों, ये जगह जगह जो फसल लटके हुए आपको दिख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कीड़े का अटैक तो क्या इंसेक्ट का अटैक होता है। इस वजह से इन्होंने एक ये यूनिक आइडिया लगा रखे हैं। और ये देखिए, ये है फल मक्खी ट्रैप बायो समाधान, यानी कि इसमें इन्होंने आपने क्या डाला हुआ है सर इसमें? वो टिक्की इसका साथ ही आता है, वो चॉकलेट, वो जो चॉकलेट की खुशबू इसमें आ रही है यहाँ तक। ये जो अंदर जो टंगा रखा है ये अच्छा, ये चॉकलेट है, इसका खुशबू से इसके खुशबू से ये जगह जगह जो होल बने हुए हैं, मक्खी फल को अटैक ना करके चॉकलेट खाने के लिए इसके अंदर प्रवेश करता है। और फिर ये देखिए किस हिसाब से ट्रैप होके यहीं पे मर जाता है, जिससे इनका फसल का नुकसान नहीं के बराबर होता है। बैरागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बागवानी आइडिया हमारे यूट्यूब फैमिली से शेयर किए और किस तरह से हम इसमें इससे मुनाफा कमा सकते हैं, ये जानकारी हमारे YouTube फैमिली से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।